फिर आ गए कुछ कहने के लिए तो यही रहता है और अब ये रेडी हो गए हैं तो अभी भी फ़ोन पे लगे हुए हैं मैं परेशान हो गई हूँ ये देखिए मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है फ़ोन पे ही बस मैं <laughs> ही पीछे पड़ी रहती हूँ चलिए फिर कुछ करते हैं आप ऑफ़िस जा रहे हैं ये खाना हो गया है हमारा चलिए टाटा बाय बाय चलिए ये ऑफिस चले गए हैं बर्तन थोड़ी देर बाद धोंगी सो बाकी का काम हो चुका है आज नाश्ता भी लंच भी सो अब देखिए शाम हो चुकी है सो मुझे थोड़ा बाहर जाना है तो रेडी होते हैं ठीक है ये देखिए रेडी है बाल बनाते हैं क्योंकि मैंने चाय रखी गाइस और देखा तो चाय पत्ती और चीनी डाल चुकी थी देखा दूध है नहीं भूल गई कि दूध नहीं है फ्रिज में फिर मैंने कहा थोड़ा बाहर जाते हैं दूध सब्जी सब कुछ लेके आते हैं सो इसीलिए रेडी हो रहे हैं पहले बाल बनाएंगे ठीक है अब बाल भी झड़ने लग गए मेरे बहुत पहले नहीं झड़ते थे योगा करती थी ना पहले अब करती नहीं हूं आलस कर देती हूँ इसीलिए अब बाल फिर से झड़ने लग गए हैं थोड़े से रह गए हैं बाल बन चुके हैं आप देखिएगा ये मस्ती के साथ <laughs> तो ये है मेरे बाल छोटे छोटे से थोड़े थोड़े से ठीक है बस ये हो गया अब हम काजल लगाएंगे जो कि पतंजलि का काजल है प्योर है इससे आँखों में दर्द नहीं होता अच्छा लगता है इसको लगाने से तो अब ये लगाते हैं ठीक है ये स्विस्टिक ब्यूटी की लिपस्टिक है इसको भी थोड़ा सा लगा लेते हैं मतलब ये है लिप बाम की तरह काम करती है ये हल्का सा पिंक हो जाता है होटों पे, बस सिंदूर लगाएंगे सिंदूर ले लिया है मैंने यहाँ से लगाती तो मेरे मुँह पे गिर जाता इसलिए ऊपर शीशे में देख के लगा रही हूँ कोरी सिंदूर लगाती हूँ मैं कोरी सिंदूर लगाने से चेहरे पे झाइयाँ नहीं पड़ती झुरियाँ नहीं पड़ती जल्दी बुढ़ापा नहीं आता और मुझे कोरी सिंदूर पहले से पसंद है वैसे ये बात मुझे मेरी एक बिहारी फ्रेंड ने बताई थी सो <laughs> so, उसकी मम्मी ऐसी लगाती है तो आज भी उसकी मम्मी का चेहरा खिला हुआ है अब मैंने बैंड लगा लिया मुझे ऐसे हेयर बैंड बहुत पसंद है डिज़ाइन में बाल भी बन गए थोड़ा सा पाउडर भी लगा लेते हैं वाइट टोन का जल्दी से फेस में पता भी नहीं लगता लग गया बढ़िया हो जाता है हल्का सा बस चलते हैं बाहर पाउडर बाद में याद आया तो मैंने बाद में लगा दिया बस हो गया रेडी चलते हैं बाहर ठीक है गाइस सो so आई एम रेडी देखिए मुझे कैसी लग रही हूँ मैं प्यारी सी क्यूट सी सही है ठीक है चलते हैं बाहर पहले तो मुझे शर्म आ रही थी गाइस क्योंकि अकेले थी आज फिर घर पहुंचने वाली थी तो तो मैंने सोचा फिर थोड़ा सा बना ही लेती हूँ रास्ते की वीडियो तो जब मैंने सब्जी भी ले ली दूध भी ले लिया और बाकी सारी चीज़ें भी ले ली थी तो मैंने कहा अब थोड़ा सा वीडियो बना ही लेते हैं और गोलगप्पे भी लाई मैं तो गोलगप्पे बहुत आगे मिलते हैं वहाँ गई थी बाकी ये हमारे इधर का एरिया है आगे तो और भी अच्छी अच्छी दुकानें थी बट मैंने उधर बनाया नहीं मुझे शर्म आ रही थी फिर इधर मैंने निकाल ही लिया कैमरा और थोड़ा सा वीडियो बना ही लिया तो कैसा लगा आपको ये यहाँ पे पूजा की शॉप भी आगे उधर आगे सो ये सब है यहाँ पे खुला खुला है अच्छा है खुला खुला कुत्ते भौंकने लग गए रात हो रही है अभी क्योंकि बंदर आ गए छत में इसीलिए कुत्ते भौंक रहे हैं देखिए अभी जब मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ वॉइस तो अभी बज रहे हैं डेढ़ ठीक है डेढ़ बज रहे हैं अभी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ जब क्योंकि इस टाइम पे शांति होती है पर क्या करें आज कुत्ते भौंकने लग गए क्योंकि बंदर आ गए हैं छत पे इसीलिए सब कोई बात नहीं मार्केट देख लिया आपने ये देखिए गोल गप्पे सूजी वाले यहाँ लंबे गप्पे होते हैं मैंने आपसे कहा था ना गोल नहीं होते लंबे होते हैं तो ये है लंबे गप्पे खाते हैं इन्हें ठीक है बहुत तीखा पानी था बहुत ज़्यादा तीखा हालत ख़राब हो गई बहुत ही तीखा पानी था खाते रहते हैं गोलगप्पे देखिए कुत्ते कितना भौंक रहे हैं ज़्यादा बंदर आ गए लगता है भैया अब कुत्तों को भौंकना बंद ही नहीं होगा मैंने सोचा रात को इंसान नहीं रहते चुप रहते हैं सब सोए रहते हैं तो रात को रिकॉर्ड करो यहाँ देखो तो रात को कुत्ते भौंकने लग गए बताइए अब हम कब वीडियो बनाएं जब भी वीडियो बनाती हूँ तभी भी कहीं ना कहीं से शोर हो ही जाता है दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है किसी न किसी की आवाज़ आ ही जाती है फिर रात को अभी कुत्ता भौंकने लग गया पता नहीं किसने पाल रखा है क्या करें इतना तो शोर बंदर का भी नहीं हो रहा जितना कुत्तों का हो रहा है खैर छोड़िए हम अपने गोलगप्पे इंजॉय करते हैं मस्त मज़े में क्योंकि मेरा दिन से ही सर दर्द हो रहा था तो गोलगप्पे खाने से मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है ठीक हो जाता है मेरा सर दर्द तो थोड़ा हल्का हो गया था इस टाइम पे बहुत तीखा लग गया हाँ मैं दिन में मेरा सर में दर्द हो रहा था कल क्या बोलते हैं कल ना इसी वीडियो के चक्कर में चार बज गए मतलब साढ़े तीन बज गए थे फिर साढ़े तीन बजे तक हुआ ये सब वीडियो का रात के फिर चार बजे मैं सोई थी तो सुबह नौ बजे उठी मतलब पाँच घंटे सोई थी फिर दिन में मेरा सर दर्द वैसे ही हो रहा था पता नहीं क्या हो गया अचानक ही इसलिए फिर शाम को मैं थोड़ा मार्केट गई दूध सब्ज़ी गोलगप्पे वग़ैरह ये सब लेके आई सो गोलगप्पे खाने से काफ़ी हल्का हो गया था लेकिन फिर रात तक फिर तेज़ हो गया था सर दर्द बहुत इतना कि उल्टी आने लग गई थी पर मैंने करी नहीं सर दर्द को ठीक करने की कोशिश की सर आगे से नहीं होता दर्द यहाँ साइड से होता है मेरे पीछे से क्योंकि आगे से होता तो बाम लगा दो पर पीछे से क्या करो खैर गोलगप्पे एंजॉय करते हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है गोलगप्पे खा के एकदम बहुत अच्छे हो रहे हैं सच्ची में लेकिन बहुत तीखे हैं अभी लास्ट में देखना मेरा रिएक्शन जब मैं खाऊंगी अब ये अब देखना पानी पी के तो बहुत ज्यादा तीखा लग जाता है मीठा पानी भी नहीं लाई थी ना आज और ये तीखा वाला ही लाई भई अब ये पापड़ी खाऊंगी मैं सूखी तब इससे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा क्योंकि पानी नहीं पीती मैं इसके बाद अजीब सा लगता है सो so, अब ये पापड़ी खा ली तो अब थोड़ा रिलैक्स हुआ पता नहीं कि इसका कुत्ता है चुप ही नहीं हो रहा भोग ही जा रहा है भोंक के ही जा रहा है बाहर है किसी का बंदर ने इतना परेशान नहीं किया होगा जितना इस कुत्ते ने कर दिया खैर अब हम काटते हैं सब्जी शिमला मिर्च लाइ शिमला मिर्च की सब्जी बनाऊंगी ठीक है तो अब सब्ज़ी काटते हैं अदरक भी लाई थी मैं चाय में कूटने के लिए मिर्च उन्होंने ऐसी दे दी मैं मिर्च लाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे मिर्च का अंदाज़ा नहीं आता हरी मिर्च का कि ये तीखी है कैसी है पता नहीं और फिर ज़्यादा हो गई तो फिर कोई खा नहीं पाएगा सो इसीलिए आप ये शिमला मिर्च काटते हैं कटिंग करते जाते हैं मस्ती में है ना आज मैं सरदर्द हो रहा है ना इसलिए मैं ज़्यादा इस्माइल पास नहीं कर रही लेकिन अभी थोड़ा हल्का है जब मैं ये बना रही हूँ और जब अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आवाज़ रात के डेढ़ बज रहे हैं अभी सो अभी अब मेरा सर दर्द बहुत हल्का हो गया बहुत क्योंकि मैंने इसका तोड़ निकाल दिया कि कैसे ये ठीक होगा सो अब ये काफ़ी हल्का हो चुका है नहीं तो रात को मेरी हालत ख़राब हो रही थी इसलिए उस वक्त मैंने नहीं बनाया रिकॉर्ड नहीं किया तो अब कर रही हूँ क्योंकि अब ठीक है तो मैंने कहा इस वक्त लोग सो रखे हैं तो कर ही देती हूँ रिकॉर्ड है ना तो ये देखिए शिमला मिर्च ये बीज मुझे अच्छे नहीं लगते हटा देती हूँ मैं उन्हें और ये काट के बस मतलब ये बीज देखने में मुझे अजीब से लगते हैं <laughs> खाते तो खैर इन्हें नहीं है पर देखने में अजीब सा लगता है इनको आज मैं मस्ती भी नहीं कर रही हूँ ना देखिए काटने में लगी हूँ बस सब्जी आप भी ऐसे ही करते हैं वो है ना जो सेम वाली सब्जी काटने में लग जाता है टाइम जो चौड़ी चौड़ी सी होती है फली होती है ना जैसे वैसे चौड़ी चौड़ी सी होती है सो तो काटने में लगता है मुझे टाइम उसमें तो जब टाइम पास ना हो रहा ना तो वो सब्जी काटने बैठ जाओ <laughs> ये देखिए थोड़ा सा आई गई मैं आपके पास मैंने सोचा आपका थोड़ा इंजॉय करके दिखाते हैं मस्त रहो खुश रहो इंजॉय करो है ना गाइस बस तो यही है सब्जी काट रही हूँ इसके बाद आलू काटूंगी अभी एक और बच्चा है बापरे ये भी बचा हुआ है अब इसको भी बनाएंगे काटेंगे फिर सब्जी बनाऊंगी और अंधेरा जल्दी हो जाता ना तो पता नहीं लगता वैसे जब सब्जी काट रही थी उस टाइम पे साढ़े छः हो रहे थे तो इतनी जल्दी फिर फटाफट मैंने बनाई लिया और खा लिया अभी तो फिलहाल पहले मैं चाय पीऊँगी क्योंकि मेरी चाय रखी हुई है वो मैंने उसमें चाय पत्ती और चीनी डाली थी ना सो मैंने कहा अब उसको भी पीऊँगी तो अभी तो गोलगप्पे पचा रही हूँ इसके बाद चाय पीऊँगी गोलगप्पे से थोड़ा सर हल्का हो गया मेरा अब आलू छीलते हैं है ना फिर आलू भी काटेंगे इसमें बड़ा बड़ा काटूँगी थोड़ा अच्छा लगता है नहीं तो बाकी चीज़ों में बारीक बारीक काट के डाल देती हूँ So, यही है प्याज वगैरह नहीं डाल रही मैं आजकल ठंड का मौसम आ गया ना लहसुन डालते हैं दाल में डालती हूँ आजकल ऐसी तड़का लगा दे रही हूँ उसका जखिया का बस गढ़वालियों में जखिया का ही तड़का लगाते हैं ना सब्ज़ी में इसीलिए लिए बस ये हो गया ये आलू भी हो गया फिर इसके बाद सब्जी तैयार ठीक है सो रेडी है सब्जी कट के अब इसे धोऊंगी बस धो दिया है मैंने ठीक है ये मिर्च है चॉपर है पर चॉपर में फिर उसको भी धोना पड़ेगा इस वक्त मेरी हालत नहीं थी इतनी तो मैंने चकला बेलन लिया उसको ही उल्टा करके उस पर ही हरी मिर्च काट दी आज मैं थोड़ा आलस आलस करके कर रही हूँ सर भारी हो रहा है ना इसीलिए अजीब सा हो रहा है चलिए बनाते हैं सब्जी ठीक है गाइस सो <coughs> so, चाय भी बना लेती हूँ साथ ही साथ चीज़ें मैं जगह पे रखने के लिए चले जाती हूँ ऐसी नहीं छोड़ती दोनों गैस जला दिए हैं मैंने चलिए मिर्ची काटते हैं ठीक है चार मिर्ची डाली है मैंने हरी मिर्च का मुझे अंदाज़ा नहीं आता इसलिए मैं हरी मिर्च बहुत ही कम डालती हूँ सब्जियों में आज मैंने दाल ही दी मैंने कहा जब दे रखी है सब्ज़ी वाले भैया ने तो दाल ही देते हैं है ना डाल रही हूँ और आज स्लो मोशन में कर रही हूँ काम है स्पीड भी बढ़ाती हूँ पर आज भी स्लो मोशन में कर रही हूँ इसमें भी स्पीड बढ़ा रखी है पर आज बहुत स्लो मोशन में कर रही हूँ और कुछ ना कुछ खाने में लगी हुई हूँ ताकि पता ना लगे कि मुझे सर दर्द हो रहा है <laughs> अपने आप को भी महसूस नहीं होने देना चाहिए न यही है ये, बस ठीक है गाइस लग नहीं मेरी तबीयत खराब है मेरा यही होता है किसी को लगता ही नहीं है क्योंकि मैं बोलती बहुत ज़्यादा जो मेरे अपने होते हैं उनसे मतलब जिन्हें मैं जानती हूँ उनसे मैं बोलती रहती हूँ बोलती रहती हूँ और जिन्हें मैं नहीं जानती या जो मुझे पसंद नहीं है उनके साथ मैं बिल्कुल नहीं बोलती <laughs> So, आप बनाते हैं दूध ठीक है गाइस दूध गरम करते हैं मजाक कर रही थी गाइस दूध गरम करते हैं ठीक है एक लीटर लेके आती हूँ थोड़ा सा चाय में भी डाल देते हैं नहीं तो चाय वेस्ट हो जाती So, ये हो गया बस अब अदरक खींचते हैं और यहाँ पे तो ये टूट जाएगा नीचे खींचेंगे मतलब टूटता तो नहीं है पर मुझे अजीब सा लगता है भटभट करता है तो सो so, नीचे खींचा मैंने और डाल दिया इसमें ये कैसा लगा <laughs> अच्छी लग रही मेरी स्माइल जख्या खत्म हो गया गाइस लेके आती हूँ और ये ले आई मैं जख्या अब इसमें डालते हैं ठीक है गिर भी गया थोड़ा सा डालते टाइम तब तक मैंने गैस थोड़ी कम कर दी है ये देखिए जखिया डाल रही हूँ मैं इसमें गला बैठ गया मेरा डाल दिया गिर गया थोड़ा सा कोई नहीं उधर पन्नी की थैली है ना तो उसमें मैं पन्नी डालती जा रही हूँ देखिए जखिया डाल देते हैं तेल गरम हो रहा है ठीक है थोड़ा सा आपके साथ मस्ती करके बुरा तो नहीं लगता गाइज आपको ये देखिए लिखा है इस पर जखिया देखा मैं सब चीज़ों पे लिख के रखती हूँ किस पे क्या है अब मिर्ची डाल देती हूँ पहले फिर सब्जी डाल दूंगी फिर भौंकने लग गया कुत्ता पता नहीं किसका कुत्ता है क्यों भोंकते हैं इतना टमाटर बाद में डालूंगी सब्जी डाल देती हूँ पहले ठीक है शिमला मिर्च और आलू की सब्जी है ये बस इसको बनाते हैं बहुत टेस्टी होती है ये बन अच्छी लगती है चटपटी सी बनाओ ना तो अच्छी लगती है मुझे चटपटा पसंद है ना इसीलिए कढ़ाई को पकड़ना पड़ता है नहीं तो भाग जाएगी पैर लगे हैं इस पर देखिए थोड़ा सा टमाटर भी ही देते हैं आपको पता है मैंने प्योरी बना के रखी हुई है बस नमक मिर्च मसाले जितने भी होते हैं सब डाल दो धड़ाधड़ धड़ाधड़ डालते जाओ हो गया सब्जी मसाला भी है इसे भी डाल ही देते हैं इसे क्यों छोड़ना है ना बस थोड़ा सा टमाटर और बस खरोल देते हैं सब्जी को सब्जी खरोल दी बस इसके बाद फ्रिज में रखने जाऊंगी मैं देखना टमाटर की प्योरी को प्योरी देखिएगा हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं रखने जाती चीजों को फटाफट जगह पे कटोरी लेने गई हूं ठीक है ये देखिए बाय आ गई मैं फिर से चाय मेरी रेडी है सो यहाँ पे दूध रख देते हैं ठीक है दूध के लिए मैं कुछ लेके आती हूँ यह है छोटी इलायची इससे दूध फटता नहीं है खुशबू भी आती है सो ये लेके आई हूँ मैं छोटी इलायची थोड़ी सी रह गई है इसमें छोटे छोटे बीज बड़े बड़े बीज इन्होंने चाय में डाल दिए सब तो थोड़े थोड़े बचे हैं ग्रीन कार्डमम बस दो बीज डाल देते हैं हो गया चलिए ये भी हो गया बस शाम का यही है आप देखिए चाय पियेंगे ठीक है कप के आगे तो मेरा फ़ोन रखा हुआ है सो तो गिलास में चाय पीते हैं वैसे मैं अपने कप में पीती हूँ मेरा स्पेशल कप है लेकिन अभी इसमें ही पी लेते हैं चाय पीने बैठी थी मैं देखिए चलिए ये बैठगी मैं चाय पीने ये रहा बिस्किट फिर इसके बाद मम्मी का फ़ोन आ गया था दो मिनट के लिए कुछ बोलना था उन्हें तो उसी मैंने उस वक्त वीडियो नहीं बनाई फिर मम्मी ने फ़ोन काट दिया दो मिनट करके फिर ये सब्जी है और अब मैं खाने लग गई मैंने रोटी भी बना ली अपने लिए सो दो रोटी खा लेते हैं देखा अच्छी होती है इसकी सब्ज़ी तो अब मैं खाने लग गई मुझे पहले खाना होता है क्योंकि फिर ये तो ग्यारह बजे तक नहीं रह पाती मैं भूखी ये देखिए ये लिया मैंने कॉफ़ी और बेसन मैंने सोचा आज बाहर गए थे और वैसे भी बहुत टाइम हो गया है चेहरे पे कुछ लगाया नहीं तो आज ये लगाते हैं कॉफ़ी बेसन और इसमें गुलाब जल मिलाया पतंजलि का गुलाब जल नहीं है वो मुझे मिला नहीं यहाँ पे सो मैं ऐसे ही ले आई जो भी मुझे मिला अवेलेबल था जो भी शॉप पर सो अब इसे मिक्स करके चेहरे पर लगा लेती हूँ इससे क्या है ना मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है और जो धूल मिट्टी वगैरह रहती है डस्ट उस सब बाहर हो जाती है और नेचुरल स्किन होती है और ये भी नेचुरल है सो so, मैं हफ़्ते में एक बार या दो हफ़्ते में एक बार ये लगा ही लेती हूँ अपने चेहरे पे मैंने सोचा आज लगा लेते हैं फिर करवा चौथ के टाइम पे भी लोगों ने बाहर फेशियल करवाया सब कुछ करवाया बट मैंने घर पे ही सारी चीज़ें की थी तभी मेरे चेहरे पे ग्लो था उस टाइम पे मैं ज़्यादातर घर की ही यूज़ करती हूँ बस अपनी शादी के टाइम पे फेशियल करवाया था मैंने बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करवाया था मैं वैसी थी जैसी हूँ सिंपल सी बस ये घर की चीज़ें ही मैं इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने सोचा आज कर रही थी तो बैठे बैठे आपको भी दिखाई लेते हैं कॉफ़ी का मेरे पे सूट करता है इसलिए मैंने ये लगाया शहद होता तो शहद भी लगाते शहद नहीं था सो बन गए हम भूत ठीक <laughs> है अच्छा लगता है इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है सो मैं इसे दस मिनट रखूँगी वैसे अगर आप लोग कभी कोई चीज करें तो पंद्रह मिनट बीस मिनट भी रख सकते हैं पंद्रह मिनट खासकर मैं दस मिनट रखूँगी बस हो गया जब दस मिनट हो गया तो मैंने इसे धो लिया बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे एकदम क्लीन हो गया दाने दूने थे ना वो भी हट गए मतलब साफ़ हो गया अब सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा था मुझे नहीं तो पहले दाने दाने से लग रहे थे चेहरे पे सो ये है अब मैंने कहा थोड़ा कुछ और भी कर लेते हैं अपने पैरों भी थोड़ा करते हैं एक महीना हो गया अपने पैरों का ध्यान नहीं दिया वैसे पैरों पर पे मैं कभी ध्यान नहीं देती कभी भी नहीं मैं पैर धोती भी नहीं उवल बल्कि सो so, अब सर्दी आ रही है तो अब मैं महीने में एक बार या पंद्रह दिन में एक बार पैरों को गर्म पानी में डाल लेती हूँ जितना गर्म मेरे पैर सहन कर पाते हैं so, पहले मैंने सोचा ज़्यादा गर्म होगा इसलिए मैं नीचे नहीं डाल रही थी पर ठीक है गुनगुनों से थोड़ा ऊपर है सही है सही टेम्परेचर पे है सो so, इससे क्या होता है हमारी जो पिंडलियाँ होती हैं ना काफ़ वो भी सही रहती हैं उनकी भी सिकाई हो जाती है जिससे हमारी पेट की सिकाई होती है क्योंकि पिंडलियों की काफ़ की नसें हमारे पेट से ही मिली होती हैं ये पतंजलि में करते थे हम सो so, पैरों को हॉट फुट बात है ये इससे पैरों को बहुत रिलैक्स मिलता है और पैर गंदे भी हो रहे होंगे तो वो भी साफ़ हो जाते हैं है ना गाइस सो <laughs> so, मैंने ये किया मैंने कहा ये करते हैं टाइम है तो थोड़ा बहुत महीने में एक बार करना चाहिए अपने लिए सो so, अब वैसे भी सर्दी है गर्मियों में तो नहीं होता सर्दियों में मैं दस मिनट करूँगी वैसे से पंद्रह बीस मिनट भी कर सकते हैं जिसका बी पी हाई हो वो बिल्कुल ना करें करना हो तो सर पे ठंडा टावल रखें ठीक है पहले ही बता दिया है ये ऑफिस से आ गए थे तो मैंने सोचा इनके लिए रोटी बनाती हूँ तो अब मैं इनके लिए रोटी बना रही हूँ ऑफिस से आके फ़ोन पे लगे हुए थे मैं वही दिखा रही थी आपको ये देखिए अब इन्होंने बाहर पता नहीं किसके साथ पकोड़े खा लिए तब कह रहे मेरा पेट भरा हुआ है मैंने कहा क्यों खाते हो आप आते टाइम पे जब आपको पता है घर आना है तो ऐसे टाइम पे मत खाया करो मैं इतनी मेहनत से रात को बनाती हूँ गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा कोई बात नहीं मैंने कहा ठीक है फिर इन्होंने आज भी कम रोटी खाई मेरा सर दर्द हो रहा है और गर्दन में भी तो मैं वही कर रही हूँ गर्दन बार बार मोड़े जा रही हूँ अभी हिम्मत नहीं हो रही थी पर मैं उठ के बनाने ही लगी मैंने सोचा बना ही लेती हूँ और वीडियो भी बना लेती हूँ क्योंकि जब स्टार्ट किया है तो मिलते हैं आप लोगों से अच्छा नहीं लगता खाली खाली सा लगता है जब आपसे नहीं मिलते तो आदत हो गई है ना मुझे इसीलिए सब्जी ले ली इनके लिए फिर रोटी बना के दूंगी कम ही खाई इन्होंने बार पता नहीं किसके साथ पकोड़े खा लिए मेरी मेहनत वेस्ट करी क्या करें so, मेरी रोटियां तैयार है देती हुई इन्हें फिर उसके बाद ये गोलगप्पे खाएंगे बाद में जब थोड़ी रोटियां पच जाएंगी सो so, अभी तो फिलहाल रोटियां देती रहती हुई इन्हें आ गए ये भी हाथ धोने के लिए आए हैं मैंने कहा मिल लीजिए थोड़ा आप भी परेशान करने लग गए देखिए <laughs> जान बुझ के परेशान कर रहे हैं कैमरा है ना यहाँ पे कोई बात नहीं चले गए स्माइल करते हुए खुशी खुशी बना रही हूँ दर्द हो रहा है पर कोई बात नहीं पता नहीं आज क्यों हो रहा है इतना दर्द हो रहा था बहुत मुझे ही पता है मैं कैसे खड़ी हूँ कैसे बना रही हूँ मुझे देख के कोई नहीं बोल सकता कि मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ है मैं रहती ऐसे हूँ चहकती रहती हूँ इन्जॉय करती रहती हूँ चाहे कुछ भी हो बन गई है रोटियाँ सो so, अब आज दूध भी नहीं पिया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की कि मैं दूध गर्म करूँ वो तो मैंने शाम को गरम कर दिया था दूध तो अब तक तो ठंडा हो चुका है सो so, अब कौन करेगा मैंने नहीं किया चलिए मिलवाती हूँ आपको इनसे ठीक है ये देखिए छुपते रहते हैं कम से कम आप सामने तो आने लग गए ये देखिए मेरे बच्चे ला रहे थे <laughs> नहीं आ रहे थे सामने पहले तो बहुत शर्माते थे, थे आपने देखा ही होगा आते ही नहीं थे वीडियो में पर अब मुझे देख देख के थोड़ा बहुत कभी कभी तो खुद ही बोलते हैं मुझे भी ले ले वीडियो में इन्हें मतलब शौक चढ़ जाता है कभी कभी और कभी कभी बोलते हैं मेरी वीडियो मत बनाओ कोई बात नहीं धीरे धीरे उन्हें भी आदत हो जाएगी तो अपने आप ही आने लग जाएंगे पर ज़्यादातर वो यही बोलते हैं मेरी वीडियो मत बनाओ मेरी वीडियो मत बनाओ फिर भी मैं उनकी वीडियो बना ही देती हूँ ये देखिए वहाँ से घुर्रा रहे हैं <laughs> ये देखिए <laughs> कोई बात नहीं मैं अकेले अपनी वीडियो बना के क्या करूँगी मैं सोचती हूँ उनके भी ले लो वीडियो में लेकिन ये आना ही नहीं चाहते पर अब काफ़ी शर्मान अब शर्माना बंद हो गया इनका कैमरे के आगे वैसे नहीं शरमाते कैमरे के आगे शरमाते हैं सो अब ये बहुत ठीक हो गए हैं अब तो आने लग गए हैं आपने भी देखा है नहीं तो पहले तो बिल्कुल ही भाग जाते थे उल्टा सीधा बोल के सीधा भाग जाते थे अब अब तो आ ही जाते हैं <laughs> देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं गलू वल्लू ये मैंने इनसे कहा थोड़ा इधर खिलाना इनको कैमरे में तो ये दिखा रहे थे ये देखिए कैसे घूर रहे हैं मुझे <laughs> कहते हैं मैं पतला हूँ मेरी वीडियो मत बनाया कर मैंने कहा आप शुरू से ऐसे ही हो तो क्या करें हाँ शादी के टाइम पे इन्होंने गेनर खाया था प्रोटीन जो होता है जिम जाने के लिए जो खाते हैं तो वही सब खाया था और थोड़ा शादी की भी खुशी थी तो उस टाइम पे ये उनके गाल भरे हुए थे और थोड़े सही हो रहे थे पर अब अब ये फिर वैसे ही होगा क्योंकि जब वो चीज़ छोड़ देते हैं तो फिर इंसान एकदम ही सूख सा जाता है देखिए कैसे सूख गए तो वैसे भी ऐसे ही थे बस इनके गाल भरे हुए थे उस टाइम पे पर अब तो इसीलिए बोलते हैं मैंने कहा दुनिया में कोई पतला नहीं है क्या सो so, मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं इनके हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज़ मेरे सर में थोड़ा सा इन्होंने इन्होंने पतंजलि में काम किया है ना नो so, मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा दबा दीजिए प्लीज़ बहुत दर्द हो रहा था बहुत मैंने कहा अब दबा दो मैंने सब कुछ कर दिया यह कहते हैं नहीं सब कहेंगे कि जोरू का ग़ुलाम है अब आप बताइए क्या बीवी की केयर करना जोरू का ग़ुलाम होता है नहीं ना लेकिन इनके दिमाग में यही बात फिट है कि सब मुझे चिढ़ाएंगे क्योंकि ये वीडियो हमारे रिश्तेदारों तक भी पहुंच सकती है तो ये कह रहे थे कि वो सब मुझे कहेंगे कि जो रुका ग़ुलाम है मुझे सुनाएंगे उल्टा सीधा मैंने कहा कोई नहीं सुना था आप दुनिया पे ध्यान मत दो मेरा दर्द हो रहा है मुझे तकलीफ़ में हूँ थोड़ा सा तो कर दो तो बड़ी मुश्किल से माने और करने लग गए थोड़ी देर दबाया इन्होंने तो थोड़ा राहत मिली फिर बाकि मैंने थोड़ा रेस्ट किया खुद भी दबाया फिर मेरे को थोड़ा आराम मिला तब तो रात में जब ठीक हो गया है अभी अभी हल्का है तो अब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ है ना ध्यान <laughs> तो इनका फोन में ही है कोई बात नहीं मैंने कहा थोड़ा सा कर दो पर कर दो बहुत दर्द हो रहा था सो so, कर रहे हैं जब बीवी पति की सेवा करती है तो कभी कोई गुलाम होती है नहीं होती ना तो ऐसे ही पति को भी करना चाहिए बीवी के लिए थोड़ा बहुत जब बीवी इतना करती है तो ये जो मेरे पति को जोरू का गुलाम बोलते हैं ना अच्छी बात नहीं है बाल झिंझोड़ दिए इन्होंने मेरे सारे बाल पति लोगों को कहाँ आता है पर इतना भी कर दिया बहुत है कोई बात नहीं जैसे भी कर रहे हैं कर तो रहे हैं कम से कम क्योंकि इस वक्त तो मेरे इतना दर्द हो रहा है ना कि बस पूछो मत बस हो गया इतना ही था मेरे साइड में हो रहा है पीछे दर्द अब बैठा नहीं जा रहा कल मैंने बाल भी धोने ना तो मैंने कहा तेल भी लगाना है तो कर दो थोड़ा वो कह रहे हैं मैं क्या करूं कहाँ करूं ये देखिए चढ़ गई उन्हें कोई बात नहीं होता है होता है आई नोच दिया मेरे बाप रे लग रही थी मुझे क्योंकि सर दर्द में लगती है बहुत फिर कोई बात नहीं कर तो रहे हैं कम से कम साल में एक बार बोल बोल के पता नहीं हमारे यहाँ तो नहीं सिखाते ऐसा हमारे यहाँ तो इसे प्यार बोलते हैं कि बीवी की केयर करना सो so मैंने ने कहा आप बोलो आप गुड नाइट तो so ये गुड नाइट बोल रहे हैं मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ गाइस हालत अभी ख़राब है बाद में बात करेंगे ठीक है गाइस सो so, अब गुड नाइट ठीक है गाइस मैं रेस्ट करती हूँ और फिर स्माइल करके क्योंकि जैसी भी हो situation, रहो हमेशा खुश ठीक है ये देखिए दिल 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 कह रहा है दीवाना दिल ये देखिए थोड़ा मैंने सोचा आपको गाँव का नज़ारा दिखाते हैं वो है थानुल। हमारा गाँव थनुल हमारा घर तो इस साइड है पर वो उधर चौक है ना जिधर सब डांस कर रहे थे उस दिन पंडो नाच रहे थे तो वही है यह है मेरी मम्मी जी मेरी मम्मा ये देखिए यहाँ पे बादल देखिएगा ऊपर ऊपर को जा रहे हैं अभी देखिए कहाँ है थोड़ी देर में वो कहाँ पहुँच जाएगा देखिए बादल धरती पर रहते हैं ये है हमारा स्वर्ग ये है जन्नत हमारा गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल थनुल गांव सो so, ये देखिए कहाँ पहुँच गया थोड़ी देर में देखिएगा बादल ऊपर तक पहुँच जाएगा अच्छा लग रहा है ना चल रहे हैं वो वीडियो में इतना नहीं दिखाई दे रहा पर सामने से साफ दिखाई देता है कि बादल चलते रहते हैं ये देखिए कहाँ पहुँच गया ना अभी थोड़ी देर में देखिएगा ये देखिए ऊपर तक तो पहुँच ही गया सो so, अब रात हो चुकी है गाइज ये हमारे पृथ्वी सो रात हो चुकी है बाय बाय गुड नाइट टेक केयर गाइज बाय